प्योली हमारे उत्तराखंड में वसंत के आगमन का भी एक जरिया है। जब वसंत अपने चढ़ाव पे होता है उस समय पीले फूल खिलते हैं, और फूलदेही में इसका बहुत महत्व है। उस रोज बच्चे घर घर जाके चावल डालते हैं, बांस की टोकरी में फूलों को रखते हैं और लोगों के द्वारों में देली में चावल और ये फूल डालते हैं, तो वहाँ से उन्हें फिर जो घर वाले होते हैं उन्हें पैसे देते हैं और चावल और गुड़ देते हैं, और शाम के समय फिर उसी चावल को भिगा के पहाड़ों में पीस के उसका सेई बनाई जाती और है। एक लोकल फेस्टिवल भी है फूलदेही। फूलदेही की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि फूलदेही में इस फूल का बहुत महत्व है। इसके बिना द्वार चार नहीं होते, द्वारों में बच्चे डालते हैं, तो जिसके उपलक्ष्य में घर वाले बच्चों को कुछ पैसे और भेंट वगैरह देते हैं, फिर वो जो चावल मिले होते हैं भेंट में गुड़, उसको भिगा के शाम को हलवा जिसको सेई कहते हैं वो बनाई जाती है, और आपस में लोग आसपास में बांटते हैं। तो इस तरह से फूलदेही का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र की शुरुआत को पड़ने वाला संक्रांति का पर्व है और जिसे फूलदेही के नाम से जाना जाता है, और हमारे समस्त कुमाऊं मंडल में बच्चों द्वारा फूलदेही खेलना और इस त्यौहार के रूप में मनाना ये पुरानी परंपरा है। क्या होता है इस त्यौहार में? विशेष रूप से वसंत के आगमन का यह सूचक है, और जो है बच्चों द्वारा गांव के सभी जो निवासी होते हैं सभी के घरों में उनकी देहलियों का पूजन अनेक प्रकार के फूलों से, जिसमें प्योली विशेष रूप से प्रसिद्ध फूल है जो इस ऋतु में खिलता है और जिसका जो है बसंत ऋतु के आगमन का जो सूचक भी है प्योली का फूल, और उसको जो है सभी के देहलियों में चढ़ा करके फूल दही छम्मा दही तुमार दही हमार दही नमस्कार ऐसा कह करके जो त्यौहार मनाया जाता है फूल दही है। प्योली की खासियत क्या है? प्योली दरअसल पहाड़ का एक ऐसा पुष्प है जो बसंती रंग वाला है और बसंत ऋतु के ही आगमन का सूचक है। अगर पहाड़ में प्योली दिखना पुष्प जैसे आजकल दिखने आरंभ हो चुके हैं तो ये समझ के चलें कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है।